हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, फरवरी का महीना स्टार्ट हो चुका है और सर्दियों में अब थोड़ा बहुत कमी भी आने लग गई है। अभी ये समय अपने गर्मी वाले पौधों को फूलों के लिए तैयार करने का बिल्कुल सही समय है। हालांकि सर्दियों के कई ऐसे सीजनल और परमानेंट पौधे भी हैं जो लगभग अप्रैल के महीने तक और फूल देंगे, लेकिन फिर भी अब वो समय आ गया है जब हम अपने गर्मी वाले पौधे पर दो इम्पोर्टेंट काम कर लें। पहला है पौधों की प्रूनिंग करना और दूसरा है मिट्टी में नए फर्टिलाइजर को मिलाना। फरवरी की स्टार्टिंग में पौधों की प्रूनिंग करने से इसमें कट वाले पार्ट से ज़्यादा ब्रांचेज निकलती हैं, जिनमें आगे चलकर फिर ढेरों फूल आते हैं। फरवरी की स्टार्टिंग में आप जिन पौधों की प्रूनिंग कर सकते हैं, इनमें सबसे पहला प्लांट ये बोगनविलिया का है। ये प्लांट लगभग पूरा साल ही फ्लावरिंग करता है, बस समय समय पर इसकी थोड़ा बहुत कटाई छटाई करने की ज़रूरत रहती है, लेकिन साल में एक बार इस तरह के पौधों की हार्ड प्रूनिंग करनी पड़ती है, जिससे इन पर ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांचेज निकलती हैं, जिनमें बाद में फिर हैवी ब्लूमिंग होती है। मैंने अपने कुछ पौधों की लंबी ब्रांचेस की टिप को कट करके कुछ इस तरह से बांध दिया है। ऐसा करने से ये बेल की तरह ग्रो नहीं करेंगे और इन ब्रांचेस पर जब फूल खिलेंगे तो इन पौधों का एक अलग लुक निकल कर भी आएगा। जो साथ ही अपने इन पौधों की हार्ड प्रूनिंग नहीं करना चाहते, वे कम से कम सॉफ्ट प्रूनिंग ज़रूर कर दें, वरना आने वाली गर्मी में इन प्लांट पर कम ब्लूमिंग होगी। इसके बाद ये दूसरा प्लांट हिबिस्कस या गुड़हल का है। अब गुड़हल के पौधे भी अपने रेस्टिंग पीरियड से बाहर आ गए हैं और पौधों में अब नई नई कलियाँ बनना भी शुरू हो गई है। अभी आप इनकी पुरानी ब्रांचेस को कट करने के साथ साथ प्लांट पर से सूखे हुए फूलों को भी हटा दीजिए और इन पौधों पर किसी अच्छे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे भी कीजिए, जिनसे आने वाले मौसम में इन पर मिलीबग्स का अटैक ना रहे। इसके बाद अगला प्लांट ये अडीनियम का पौधा है। इसकी प्रूनिंग का भी अभी सही समय है, क्योंकि अब ये पौधे भी अपने रेस्टिंग पीरियड से बाहर आ गए हैं। लेकिन इन पौधों को प्रून करने के बाद आप इनके कट वाले पार्ट पर किसी फंजीसाइड पाउडर को जरूर लगाएं। अगर आपके पास फंजीसाइड पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप हल्दी पाउडर का भी यूज इस पर कर सकते हैं। फ्रेंड, अडीनियम के पौधे तभी ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं जब आप इनके हर साल प्रूनिंग करते हैं, और इसी से इन पौधों के कॉर्टेक्स की थिकनेस भी बढ़ती है। बस अभी प्रून करने के बाद आप इनकी सॉइल में फर्टिलाइजर को मिला दें। इसके लिए वर्मी कंपोस्ट और बोन मील का कॉम्बिनेशन बेस्ट रहता है। अभी आप इनकी कट वाली ब्रांचेज को ग्रो करके इसका नया प्लांट भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप ब्रांच को लगभग एक हफ्ते के लिए पहले किसी छाया वाली जगह पर रख दें। इसके बाद ही इसे ग्रो करें और इसकी सॉइल में बस ऊपर से हल्का सा पानी का स्प्रे करें। इसके बाद ये सभी टिकोमा के पौधे हैं, जिनकी अभी आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। मैंने नवंबर या शायद दिसंबर के महीने में इनकी प्रूनिंग की थी, जिनसे अभी इन पौधों पर काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज आ गई हैं। टिकोमा के पौधे अपने ग्रोइंग पीरियड में आपको एक हैवी ब्लूमिंग देते हैं, और उस समय घरों में पूजा के लिए सबसे ज़्यादा टिकोमा के फूल ही यूज किए जाते हैं। इसके बाद ये अगला पौधा मिनी कामिनी का प्लांट है। इस पर भी गर्मी में बहुत खुशबूदार फूल आते हैं। ये भी इस समय प्रूनिंग करने के लिए एक सही प्लांट है। इसे आप प्रून करके फुल सनलाइट में ग्रो कीजिए, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट ये नागचंपा का प्लांट है, और ये प्लांट काफ़ी हार्डी पौधों की लिस्ट में आता है, लेकिन इस बार सर्दी में इस प्लांट की ग्रोथ भी हल्की ही रही और इसकी कुछ ब्रांचेज में फंगस का अटैक भी देखने को मिला। ये प्लांट 3 साल पुराना है, फिर भी सर्दी में इसकी ये कंडीशन रही। अभी इसकी हार्ड प्रूनिंग करने से इस पर लगभग मार्च की एंड से या फिर अप्रैल की स्टार्टिंग से फूल आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन प्रूनिंग करने के बाद आप इसकी सॉइल में वर्मी कंपोस्ट और कुछ दाने DAP के जरूर मिला लें। इसके बाद सातवां प्लांट ये ब्लीडिंग हार्ट का है। दिसंबर और जनवरी का महीना इसका भी रेस्टिंग पीरियड रहता है, और मार्च से लेकर लगभग नवंबर तक इस पर काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। लेकिन ये प्लांट गर्मी के और पौधों की तरफ फुल सनलाइट में ग्रो होने के बजाय उस जगह पर अच्छी तरह ग्रो होता है जहाँ पर छनकर धूप आए। अभी आप इसकी प्रूनिंग करके इसे धूप वाली जगह पर रख दें, और जब इस पर फूल आना शुरू हो जाए तो आप इसे सेमी शेड वाली जगह में शिफ्ट कर दें। इसके बाद ये अगला प्लांट मोगरा का प्लांट है। ये भी तेज धूप में ग्रो होने वाला एक परमानेंट प्लांट है। इसके फूलों से भी काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। मैंने इस प्लांट की प्रूनिंग दिसंबर के महीने में ही कर दी थी, जिस कारण अभी इस प्लांट पर काफ़ी नई शूट्स बनना स्टार्ट हो गई हैं। अगर आपके पास भी ये प्लांट है तो अभी आप बेहिचक इसकी हार्ड प्रूनिंग करें, जिससे इसमें नई फ्रेश ब्रांचेज आएंगी और बाद में चलकर इन ब्रांचेज में ढेरों फूल खिलेंगे। नेक्स्ट ये जेट्रोपा का प्लांट है। इसकी भी मैंने कल ही हार्ड प्रूनिंग की है। इस पर लाल रंग के फूल आते हैं जो एक बंचेज में खिलते हैं। ये प्लांट भी तेज धूप में ग्रो होने वाला एक परमानेंट प्लांट है, जो आपको अप्रैल से लेकर नवंबर तक ढेरों फूल देता है। अगर आपके पास इस तरह फाइकस के पौधे हैं तो आप इनकी भी इस समय कटाई छटाई कर सकते हैं। ये पौधे फ्लावरिंग तो नहीं करते, लेकिन ये अपनी सुंदर पत्तियों से आपके गार्डन को पूरा साल हरा बनाए रखते हैं। इसके बाद अगला प्लांट ये अपराजिता का प्लांट है। ये प्लांट कई धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा है और इसकी पत्तियां और फूल पूजा के लिए सबसे बेस्ट माने जाते हैं।
इसका ग्रोइंग पीरियड भी गर्मियों का ही रहता है। अभी मेरे इस प्लांट पर सीड पॉट भी बना हुआ है। अपराजिता का प्लांट सीड से ग्रो होने के साथ साथ कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा ही एक और प्लांट है जिसे शनिदेव का प्लांट या शमी के प्लांट के नाम से जाना जाता है। ये समय इस प्लांट की प्रूनिंग करने के लिए भी एक सही समय है, क्योंकि कभी कभी ये पौधे बस लंबाई में ही बढ़ने लगते हैं और बिल्कुल सीधे ग्रो हो जाते हैं। कटाई छटाई करने से इनका भी एक सही आकार आ जाता है। इसके बाद एक कनेर का प्लांट है, इसकी भी अभी आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। हालांकि कनेर के पौधे ठंड में भी फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन इस बार पाला इतना ज़्यादा पड़ गया कि इनकी कलियाँ खिलने से पहले ही खराब हो गई थी। नेक्स्ट ये अलवंडा का प्लांट है, अभी आप इसकी भी कटाई छटाई कर सकते हैं। जिन साथियों ने इसे ग्रो किया होगा उनने नोटिस किया होगा कि आजकल ये प्लांट बिल्कुल सूख सा जाता है, लेकिन अभी इसकी प्रूनिंग करने से इसमें फिर से नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। अगला प्लांट ये चंपा या प्लूमेरिया का प्लांट है, इसकी भी प्रूनिंग करने का ये सही समय है। ये प्लांट एक हार्डी पौधों की लिस्ट में आता है। इसके फूलों से एक अच्छी खुशबू आती है, इसी कारण इसके फूलों में सबसे ज़्यादा मधुमक्खियाँ और तितलियाँ आती हैं। और फ्रेंड, प्लूमेरिया का पौधा आजकल कटिंग से आसानी से प्रोपागेट भी हो जाएगा। इसकी कट वाली ब्रांच से आप अभी नया प्लांट इजीली तैयार कर सकते हैं। अगला प्लांट भी एक खुशबूदार प्लांट ही है जिसे मधुमालती या झुमका बेल के नाम से जाना जाता है। ये एक बेल की तरह ग्रो होने वाला बहुत ही सुंदर प्लांट है जो गर्मियों भर आपके गार्डन को फूलों से महकाए रखता है। इस पर भी अप्रैल से फूल आना शुरू हो जाते हैं और लगभग अक्टूबर तक इस पर फ्लावरिंग रहती है। मधुमालती के पौधों में बरसात के बाद और तेजी से फ्लावरिंग होती है। तो फ्रेंड, ये थे कुछ पौधे जिनकी इस समय कटाई छटाई करने से लगभग अक्टूबर या नवंबर तक आपको ढेरों फूल देंगे। साथ ही वीडियो में दिखाए गए सभी पौधों की कटिंग से इस समय इनके नए पौधे भी तैयार किए जा सकते हैं। नर्सरी में आजकल माली इन सभी पौधों की कटिंग से नए पौधे तैयार करते हैं और फिर गर्मियों में वही पौधे हमको महंगे दामों में खरीदने पड़ते हैं। लेकिन फ्रेंड, प्रूनिंग करने के बाद आप सभी पौधों की मिट्टी में खाद जरूर मिला लें। इसके लिए आपको बस दो खाद यूज करनी है, एक है वर्मी कम्पोस्ट और दूसरा है हर गमले में 8 से 10 दाने DAP के। इससे आपके पौधों में जल्द ही नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और एक हेल्दी ब्लूमिंग आपको इन सभी पौधों में देखने को मिलेगी। आज के इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन या अपने ओर से किसी भी सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए गार्डनिंग विद RPJ। थैंक्स एंड हैप्पी गार्डनिंग।